स्वागत है भाई सभी का नए दिन नए व्लॉग में। वैसे शाम का वक्त हो रहा है और आई होप कल का व्लॉग देखा होगा और मजा भी आया होगा। हम शाम को यूनिवर्सिटी में क्यों हैं? यहाँ पोस्टर लगा दिख सकता है भाई, देखो लैक्रोस बिगनर कोर्स के बारे में और अलग अलग डेट्स मेंशन है। तो हम सोचे भाई कि इसका बिगनर कोर्स है तो जरा करके देखते हैं, चल के देखते हैं ये लैक्रोस होता कैसा है, क्या होता है। कभी खेले तो है नहीं पर इंटरेस्टिंग लग रहा है। हालांकि यूनिस्पोर्ट की वेबसाइट में जाके भी देख सकते हैं, उसमें जाके हम अपना प्लेस तो बुक किए ही हैं। तो चलते हैं भाई। ये देखो अपना यहाँ सामने बिल्डिंग 47 दिखता हुआ, नीला आसमान और बादल भी भाई मस्त दिखते हुए। तो यहाँ से हम जा तो रहे हैं भाई, देखो आगे आगे अपना। और लोकेशन में भाई लॉन 2 लॉन 3 मेंशन है, तो वो भी चल के देखना पड़ेगा ये लॉन है कहाँ पे। अभी तो हम अपना भाई बिल्डिंग 46 के जरा अंदर चलते हैं, क्योंकि जीन्स पहने भाई जरा शॉर्ट्स डाल लेते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे अंदर है हम, तो अपना भाई शॉर्ट्स तो पहन चुके हैं। यहाँ से चलते, देखो यहाँ कोई टेंट भी लगा हुआ है भाई, यहाँ कुछ मिल रहा है लगता है। तो अभी हम अपना भाई जो ऊनी स्पोर्ट है ना उसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ चल के एक बार जरा पूछ लेते हैं कि लोकेशन कहाँ है। तो यहाँ सामने देखो अपना ऊनी स्पोर्ट का बिल्डिंग भी आ चुका है भाई, दिखता हुआ मस्त झंडे भी फहरते हुए। यहाँ तो भाई कमरा शायद लॉक्ड है, अभी हम बाहर ही चलते हैं जरा। चलो शायद हमने किसी को लैक्रोस का जो इक्विपमेंट है वो ले जाते देखा है, तो आगे चलते हैं आगे, क्योंकि ग्राउंड तो है ही। ये देखो यहाँ से भाई सीधा सीधा जाएंगे तो सामने अपना ग्राउंड भी है, वहाँ चलते हैं ऊपर। यहाँ भी देखो भाई अलग अलग गेम चलते देख सकते हैं अपने, और हम चलते हैं भाई अपना ऊपर, देखो यहाँ ग्राउंड पे। ये देखो भाई यहाँ पूरा ट्रैक और ग्राउंड देख सकता है मस्त मौसम के साथ अपना। ये देखो भाई इक्विपमेंट रखे हुए हैं यहाँ पे मस्त। तो भाई हमें यही सामने फील्ड में जाना है, तो अपना जरा कोर्स अटेंड करते हैं, देखते हैं क्या सीखने को मिलता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और उसके बाद शेयर तो करेंगे ही। ये देखो भाई लगता है सामने फील्ड सेटअप हो रही है जहाँ पे गोल्स दिख रहे हैं अपने। तो देखो भाई यहाँ अपने रैकेट्स और इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं मस्त अभी प्रैक्टिस के लिए। देखो भाई अपने हाथ में यहाँ रैकेट भी आ चुका है मस्त, इसमें ऐसे नेट लगा हुआ है, बढ़िया लग रहा है। सामने अपना गोल है भाई, देखो कुछ लोग खेलते भी दिख सकते हैं। तो हम भी सीखते हैं और उसके बाद बात करते हैं भाई। बताया जाए तो थोड़ा भी ब्रेक हुआ, सोचा बात कर लेते हैं। सबसे पहले ना हमारी ट्रेनिंग हुई है यहाँ पे और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कराया सबसे पहले, और भाई अभी गेम खिला रहे हैं। और अगर एक चीज बताई जाए तो भाई थोड़े ना स्टेप्स बताए कि कैसे करना है, जैसे कि पॉइंट पुश पुल, स्टिक कैसे पकड़नी है, बॉल कैसे कैच करनी है, और भाई थ्रो कैसे करना है। तो एकदम नया एक्सपीरियंस लग रहा है। अभी सीटी बजने की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि भाई खेल भी चल रहा है हमारे बगल में, देखो पीछे मैच देख सकता है चलता हुआ, गोल बना के दोनों तरफ, तो मजा तो बहुत आ रहा है भाई। ये देखो हमारे सामने किट रखी हुई है भाई लैक्रोस की, यहाँ से हमने स्टिक उठाई और यहाँ बढ़िया मैच चलता हुआ देखो मस्त। और स्ट्रेचिंग वाले पार्ट में बताया जाए तो थोड़े भाई स्प्रिंट्स भी करे हमने, थोड़ा मतलब लेग वेग स्ट्रेच करा, तो ऐसे दो लैप मारे, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज करी। उसके बाद ना जैसे कि पेयर्स में इन्होंने बताया कि पहले सीख लो कि भाई बॉल थ्रो कैसे पकड़ते हैं, पकड़ते कैसे हैं, तो सबको बोला कि चार बॉल हैं और जितने लोग हैं सब बढ़ जाओ और एक दूसरे से पास मांगो। जैसे किसी के पास बॉल है तो वो कहेगा कि मेरे पास बॉल है मैं फेंक सकता हूँ, और जिसको चाहिए वो मांग सकता है। तो पहले ऐसे प्रैक्टिस कराई, उसके बाद भाई मतलब बॉल वॉल फेंकने के बाद उसके बाद उन्होंने कहा कि सबका नाम वाम पूछा स्टार्टिंग में कि कौन बिगनर लेवल है, कौन थोड़ा खेल चुका है 1-2 साल, कौन 5 साल। उस बेसिस पे अलग अलग ग्रुप बांटे भाई, और उन ग्रुप्स को ना जैसे डिवाइड किया, और स्टार्टिंग में जैसे बोला कि जो कोई एक्सपीरियंस है यहाँ पे, जैसे उनका नाम डेविड है तो उनके साथ आप प्रैक्टिस कर लो। तो 1-on-1 ना एक दूसरे को बॉल फेंक के थ्रो कर रहे थे कैच पकड़ने का। सेकंड प्रैक्टिस में कि बॉल को मतलब ऐसे रैकेट से घिसते हुए कैसे पकड़ना है उसकी ट्रेनिंग कर लो। तो भाई मतलब ऐसे स्टार्टिंग में ड्रिलिंग हुई, और तीसरे राउंड में ये हुआ कि जैसे स्टिक ऐसे झुलानी कैसे है वो सीख लो। तो स्टिक झुलाते हुए फिर ऐसे सर्कल काटते हुए एक दूसरे को पास करते, मतलब मैं यहाँ से दौड़ता हुआ जा रहा हूँ, पास किया, वो थोड़ा स्टिक रोटेट करके वो अगले को पास करेगा, तो ऐसे घूम रहे थे चक्कर काट रहे थे। तो अलग अलग प्रकार की भाई ड्रिलिंग हुई, मज़ा तो आ ही रहा है मस्त भाई। हाथ में स्टिक पकड़े हुए मज़ा एकदम मस्त, इससे खेलते रहो अपना नेट से और बॉल लोगों को पास करते रहो। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि भाई जैसे कि 3 vs 2 का ग्रुप किया, जैसे यहाँ जो गोल दिख रहा है ना, तो 3 लोग एक तरफ 2 लोग दूसरी तरफ, तो पहले 3 लोग अटैक करने जाएंगे, उसके बाद उनमें से जिसने लास्ट बॉल छुई होगी वो हट जाएगा, और वही बचे हुए 2 लोग डिफेंस करेंगे और वहाँ से नए 3 लोग आएंगे। तो ऐसे स्विच होता रहेगा और बारी बारी से सबको बारी मिलती जाएगी। तो ये ड्रिल हुआ, और उसके बाद ये देखो इस फील्ड में हम हैं यहाँ पे, और अब भाई फुल ऑन मैच चल रहा है एकदम मस्त। तो ये हमारे सामने कोच है जो एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो मेंटोर की तरह भाई हमें सिखा भी रहे हैं। और अब 5 vs 5 की टीम है, और बोला है कि सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, तो साइड में मतलब जिसको सब्स्टिट्यूट होना है वो साइड में आ जाओ और फिर बीच बीच में रोटेट करते रहो। और अब गोलकीपर भी लगा दिए गए हैं। तो भाई मतलब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है और सीखने को मिल रहा है, और भाई इंटरेस्टिंग बहुत लग रहा है ये जो लैक्रोस का स्टिक पकड़ के खेल रहे हैं। और मस्त भाई अपना स्टिक से अटैक करते रहो, डिफेंस करते रहो, और ठीक ठाक कार्डियो भी हो ही रहा है भाई, बढ़िया दौड़ने को तो मिल ही रहा है एकदम। और ये देखो यहाँ ऐसे हमारे सामने गोलकीपर, और ये भाई गोल बना हुआ है मस्त, ऐसे स्टिक पकड़ के हेलमेट डाल के खड़े हैं यहाँ पे, और पीछे अपनी बिल्डिंग 47 भी दिखती हुई भाई। ये देखो भाई यहाँ लोग खेलते हुए देख सकते हैं, चेस करते हुए बॉल को और गोल की तरफ भाई आगे बढ़ते हुए, देखो पास करते हुए मस्त, ये बॉल गई भाई। ये देखो इस प्रकार से खेल चलता है ये वाला, बढ़िया भाई। फाइनली हमारी जो ट्रेनिंग है ये फील्ड में खत्म हो चुकी है, जहाँ गोल लगे थे। अब सब सामान पैक करके अपना जा रहे हैं, 6 से 8 बजे तक हमारी भाई ट्रेनिंग चली, और अब हम सर चिल एंड ग्रिल का झलक देखने जा रहे हैं। ये देखो ये पूरा ग्राउंड यहाँ का,
दिखता हुआ और हम आगे चलते हैं यहाँ से। तो देखो भाई यहाँ पे हम आ चुके हैं, सामने हमारे चिल एंड ग्रिल लगा हुआ है और देखो यहाँ पे भाई अपनी ड्रिंक्स भी मिलती हुई, अपना ये मेन्यू लगा हुआ है भाई और एक यूरो फंड देना है ड्रिंक्स लेने के लिए यहाँ पे, और यहाँ अपनी ड्रिंक्स बनती हुई भाई। हमारी भाई ड्रिंक भी आ चुकी है वर्जिन बेरी मस्त। हम भाई अपना यहाँ बैठे हैं बढ़िया, पीछे म्यूजिक भी चलता दिख ही सकता है। ये देखो भाई यहाँ का पूरा एरिया, यहाँ अलग अलग काउंटर्स भी बने हुए हैं, डीजे चल रहा है बढ़िया अपना चिल एंड ग्रिल में। और देखो भाई यहाँ पे ऐसे बीबीक्यू लगा हुआ है बढ़िया, अपना खाना पकता हुआ। और यहाँ भाई अपना एक और काउंटर है, देखो टॉप डेस्क लिखा हुआ है। और यहाँ हमारी भाई दूसरी ड्रिंक भी आ चुकी है वर्जिन बेरी अपनी बढ़िया। देखो यहाँ सामने का माहौल देखते देखते अपना बढ़िया, रात्रि का समय भी हो रहा है भाई, जगमगाती लाइट दिख सकती है और सामने लगता है ऊपर गाना या डीजे का सेटअप लगा हुआ है भाई, मस्त देखो लगता हुआ। और यही माहौल देखते देखते देखो म्यूजिक भी बंद हो गया भाई, हम यहाँ से चलते हैं अपना रूम की तरफ और चल के भाई थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी बताते हैं एक चिल एंड ग्रिल के बारे में भी और अपना खेला के बारे में भी। ये देखो अपना ऊनी स्पोर्ट वाला बस स्टॉप भी दिखता हुआ भाई और अपना बिलवेड ऊनी फिट भी दिखता हुआ। और फाइनली भाई हम अपना रूम पे भी आ चुके हैं। अगर एक पॉइंट बताया जाए तो जो चिल एंड ग्रिल है ना, किसी ने बोला जब हमारा खेला खत्म हो गया था आके कि भाई यहाँ पे फ्री ड्रिंक्स या फ्री फूड मिल रहा है, तो हमको लगा भाई ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि चिल एंड ग्रिल में ना कभी कभी चार्ज होता है। हालांकि ट्राई करेंगे कभी चिल एंड ग्रिल अलग से दिखाने का, कवर करने का, तो आइडिया लग जाएगा कैसा होता है। एक पॉइंट अगर बताया जाए तो हर ट्यूसडे होता है। तो भाई हमारा मतलब जो खेला है वो ख़त्म हुआ और जितने लोग थे सारे मतलब जो हमारे साथ खेल रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो जो टीम वाले सब चलते हैं अपना चिल एंड ग्रिल। तो जैसे ही वहाँ गए ना, तो वहाँ पता है क्या सिस्टम चल रहा था कि ये जो हमने ड्रिंक ली ना, ये भाई मतलब जो ग्लास मिला, जैसे कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी थी, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी थी, हमारी वाली जो बेरी वाली ड्रिंक थी वो भाई मतलब एक यूरो दो फाइंड के तौर पे, तो वो क्या करते हैं कि एक मान लो टोकन टाइप का दे दिया, साथ में ड्रिंक दे दी, वो पियो, जैसे टोकन वापस करोगे एक यूरो वापस हो जाएगा। तो एक यूरो का सिक्का चाहिए वहां देने के लिए, तो एक तरीके से फ्री है कि जैसे तुमने ग्लास लौटाया, मतलब तुम ग्लास ना लेके भग जाओ, तो जैसे तुमने ग्लास लौटाया तो तुमको वापस तुम्हारे जो पैसे हैं मतलब एक यूरो है वो मिल जाएगा। और ब्रेड्स भी रखी हुई थी, जैसे जहां देख रहा था ना कि बीबी को चल रहा था, हालांकि वहां भाई नॉनवेज ही था शायद, बट जो बीबी को चल रहा था वहाँ सॉसेजेस थे और जैसे ब्रेड थी, ब्रेड लो और अपना सॉसेज उठा लो, मतलब वो तुमको दे देंगे और अपना सॉस वॉस ले लो। तो सबके लिए मतलब जो भी आ रहा था कि फ्री फूड आके बढ़िया खा सकते हो, दिख सकता है कि म्यूजिक चल ही रहा था और भाई वाइब पूरी लगी हुई थी और फ्री ड्रिंक्स थी। तो भाई ये भी सरप्राइजिंग बात लगी, हालांकि एक सरप्राइजिंग और थ्रिलिंग बात जो ये भी लगी कि आज हम मतलब पहली बार ही कुछ लोग थे, क्योंकि लैक्रोस में जो मान लो पहले से खेले हुए हैं या कभी देखे हुए हैं, हमने भाई सच बताने कभी ऐसे देखा ही नहीं है कि लैक्रोस होता क्या है, तभी थोड़ा इंटरेस्ट भी जगा कि भाई चल के देखते हैं क्या होता है, मतलब किस प्रकार का खेल होता है ये, कि स्टिक है, दौड़ रहे हैं लोग, भाग भाग रहे हैं तो फुटबॉल जैसा होगा, और हाथ में है भाई डंडा कि मतलब अपना क्या नाम है, जैसे टेनिस में हो गया या मतलब स्टिक टाइप की होगी कैच करने के लिए बॉल। तो भाई इंटरेस्टिंग लगा और जाके इतने ढंग से उन्होंने रूल समझाया जो कोच थे वहां पे, और उनके ना मतलब कह सकते हैं जो लोग लीग टीम में है, मतलब जो लोग प्रैक्टिस करने आते हैं मतलब अलग दिन में, जो मतलब अलग से ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं या कह सकते हैं जो क्लब में है, वो लोग भी आते हैं सेपरेट प्रैक्टिस करने, तो उनको एक्सपीरियंस है। तो वो लोग ना मेंटोर की तरह हमारे साथ खेल रहे थे कि भाई वन ऑन वन उनके साथ प्रैक्टिस चल रहा था, गेम में भी उन्होंने मतलब आगे बढ़ के यही कहा कि हम गोलकीपर बनते हैं एक दो लोग, और कुछ लोग जो एक्सपीरियंस थे वो भी हमारे साथ थे और हम साथ में खेल ही रहे थे। तो भाई हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को तो मिला ही, जानकारी प्राप्त हुई अपने इस गेम के बारे में, इस खेला के बारे में, और भाई कि कैसे खेला जाता है, कैसे मतलब रनिंग होती है, कार्डियो का भी उपयोग होता है, कैसे आई मूवमेंट यूज करना है और कैसे भाई अपनी डायरेक्शन देनी है, क्योंकि जैसे नया था तो ये नया है ही, तो ये समझने में भी लगा कि भाई कैसे स्टिक पकड़नी है, कैसे थ्रो करना है। इसी के लिए स्टार्टिंग में ड्रिल कराया गया था, जो अलग अलग प्रैक्टिस थी कि भाई तुम्हें जैसे बॉल दोनों हाथ से नीचे से कैसे घिसते हुए मतलब घिसटते हुए पकड़नी है, कैसे थ्रो करना है इस एंगल पे कि ऐसे टेढ़ा एंगल ना चला जाए, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स पता लगे। हालांकि पहला ही दिन है तो भाई जानकारी प्राप्त हुई और ट्राई की उसको इंप्लीमेंट करने का भी, और अब ये इन्फॉर्मेशन भी पता लगी है कि हर ट्यूसडे हो गई, तो भाई ट्राई करेंगे जाने का और बताते जाएंगे अपडेट, क्योंकि अभी तो पहला दिन है, फर्स्ट टाइम खेल देखे हैं, समझे हैं थोड़ा, मतलब समझ तो रही है और खेले हैं, तो भाई बढ़िया तो है ही। और आई होप हमारे साथ देख के भी मज़ा आया होगा, थोड़ा आइडिया लगा होगा, जिन लोगों को पहले से जानकारी उनको भी दिखा होगा, जिनको नहीं उनको जानकारी थोड़ी मिली होगी इस माध्यम से, और जब हम जाते जाएंगे तो ट्राई करेंगे बताने का भी। हालांकि एक चीज़ और पता लगेगी कि शायद कोई लीग भी है, हालांकि उसका क्या सिस्टम है जब और इन्फॉर्मेशन पता लगेगी तो ट्राई करेंगे किसी अलग ब्लॉग में उसके बारे में बात करने का। इस वाले ब्लॉग का अंत और समापन करते हैं सभी का धन्यवाद करते हुए, बाकी तो पता ही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं भाई। वैसे बढ़िया कार्डियो हो गया, बढ़िया एकदम मतलब एनर्जी आ गई दौड़ भाग के खेल के, और नए दिन नए ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, चाओ चाओ, नमस्ते, चलो।
और अलग प्लेलिस्ट में जाके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोस देख ही सकते हो जब टाइम मिले, जब समय मिले। बाय बाय।